हाय फ्रेंड्स, प्रणाम, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मिस वर्षा गायतोंडे और इस लेक्चर में मैं बात करने जा रही हूं क्रोमोसोम बैंडिंग एंड पेंटिंग टेक्निक्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं बैंड क्या होता है। पेरिस कॉन्फ्रेंस हुआ था 1971 में, वो डिफाइन करता है बैंड एज ए पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम विच इज़ क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम इट्स एडजेसेंट सेगमेंट बाय अपियरिंग डार्कर और लाइटर विथ वेरियस बैंडिंग मेथड्स। एक बैंड क्या होता है? बैंड आप नॉर्मल लाइफ में बोल सकते हैं, कहीं पे भी बैंड, जैसे कि फ्रेंडशिप बैंड, बर्थडे बैंड, जो भी बैंड है, बैंड का ये मतलब होता है कोई एक स्ट्रेच होता है जो बहुत अट्रैक्टिव दिखता है। वैसे ही क्रोमोसोम के टर्म में बात करें तो बैंड क्या होता है? एक डार्कर या लाइटर रीजन होता है जो अलग, दूसरे पार्ट से अलग दिखता है। तो हिस्ट्री देखते हैं बैंड्स का। इन 1958 कैस्परसन एंड कोवर्कर्स पब्लिश्ड देयर फर्स्ट पेपर डिस्क्राइबिंग द यूज ऑफ क्विनाक्रोन मस्टर्ड टू स्टेन क्रोमोसोम देयर बाय यूजिंग इन न्यू एरा ऑफ क्रोमोसोम बैंडिंग। पेरिस रिपोर्ट में क्या हुआ था 1971 में? ये फर्स्ट रिपोर्ट टू अटेम्प्ट टू प्रोवाइड नोमेनक्लेचर फॉर क्रोमोसोम बैंडिंग इन एनी डिसिप्लिन और स्पीशीज एंड दस इट इज रिकमेंडेशन हैव बीन एडॉप्टेड नॉन ह्यूमन स्पीशीज एज वेल। मतलब ह्यूमन स्पीशीज पे भी इसको यूज़ किया था और नॉन ह्यूमन स्पीशीज विच इंक्लूड एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, जो भी है, और वी कैन से अबाउट द प्लांट्स। स्टडीइंग बैंडिंग पैटर्न। बैंडिंग पैटर्न स्टडी करने से हमें क्या मिलता है? दिस अलाउज यू टू सी स्मॉलर पीसेस ऑफ ए क्रोमोसोम सो दैट यू कुड आइडेंटिफाई स्मॉलर स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज नॉट विजिबल ऑन ए रूटीन एनालिसिस। मतलब जो भी क्रोमोसोम में चेंजेस हैं उसको आप लोग ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। बैंडिंग टेक्निक को बहुत सारे डिफरेंट बैंड्स में क्लासिफाई किया गया है, तो वो किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है? यहाँ पे दो मेन क्राइटेरिया आता है। एक जीसी एंड एटी रिच रीजन्स। आपको पता ही होगा जीसी एंड एटी जो फोर बेसिस है अपने लाइफ के, फोर बेसिस बताया जाता है इसको, और कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन रीजन एक दूसरा पॉइंट है जिसके बेसिस पे बैंडिंग पैटर्न को क्लासिफाई किया जाता है। ऑलवेज मेटाफेस क्रोमोसोम हुज साइज हैज़ कंडेंस्ड एंड हुज डायमीटर इज इंक्रीज्ड आर यूज्ड फॉर क्रोमोसोम बैंडिंग स्टडीज आफ्टर फिक्सिंग द स्टेज। बैंडिंग टेक्निक्स मेजरली फोर बैंड्स है, क्यू बैंड, जी बैंड, एन बैंड, सी बैंड, इसके साथ में आर बैंड, टी बैंड भी होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्यू बैंड के बारे में, इसको किसने डिस्कवर किया था और किस साल में। तो क्विनाक्रोन मस्टर्ड बैंड जो है जिससे बनता है उसको क्यू बैंड बोलते हैं एंड इट वाज डिस्कवर्ड इन 1958 बाय कैस्परसन एंड कोवर्कर्स। जी बैंड होता है जीएमसा स्टेनिंग से, 1971 में इसको डिस्कवर किया था समर ने, समर एंड कोवर्कर्स। एन बैंडिंग जिस जो नॉर रीजन को, जो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन को बैंड करता है, वो डिस्कवर हुआ था मत्सुशी एंड सकाई के द्वारा और इसको 1973 में डिस्कवर किया था। और सी बैंड है जो सेंट्रोमेरिक बैंड होता है, 1978 में लिंडे एंड लॉर्सन ने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो और भी बैंडिंग जो मैंने बताया था वो होते हैं आर बैंड, टी बैंड और सिल्वर स्टेनिंग। सिल्वर स्टेनिंग टेक्निक्स को अधिकतर ऐसे यूज़ नहीं किया जाता है। बेसिकली जब पहले किया जाता था तो इसको यूज़ करते थे क्योंकि एक क्वाइट कॉस्टली पड़ता है कंपेयरिंग टू अदर बैंड्स। तो फर्स्ट वाला बैंड देखते हैं क्यू बैंड। यहाँ पे स्टेप्स है, पहले क्या करते हैं क्रोमोसोम्स को लेंगे, स्टेन्ड विथ क्विनाक्रोन मस्टर्ड सब्जेक्ट टू यूवी लाइट, देन सी द बैंडिंग पैटर्न। जब बैंडिंग पैटर्न देते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पे दो चीज़ें होते हैं, एक एटी रिच रीजन होता है और एक जीसी रिच रीजन ऑफ बैंड होता है। तो जब एटी रिच रीजन होता है तो वो डार्कली स्टेन्ड होता है, मतलब क्विनाक्रोन मस्टर्ड के केस में वो डार्क स्टेनिंग होता है। एटी रीजन
क्वेंचीज डाइफ्लोरेसेंस सिचुएटेड इन हेट्रोक्रोमेटिन रीजन. तो डार्क स्टेनिंग होता है तो हेट्रोक्रोमेटिन रीजन में, और ये होता है एटी रिच, ठीक है. और दूसरे पार्ट में क्या है, जीसी रिच बेसिस का जो रीजन होता है ये लाइट स्टेनिंग होता है, और जीसी रीजन क्वेंचस डाई बट नॉट फ्लोरोसेंस सिचुएटेड इन यूक्रोमेटिन रीजन. ये हमेशा याद रखिए, इन क्विनाक्रॉन मस्टर्ड में एटी रीजन डाई को क्वेंच करेगा और फ्लोरोसेंट को भी, लेकिन जीसी में क्या होता है, डाई को क्वेंच करता है लेकिन फ्लोरोसेंट को नहीं करेगा. क्यू बैंडिंग का एडवांटेजेस क्या है, ये सिंपल है, वर्सेटाइल है, यूज्ड वेयर जी बैंड इज़ नॉट एक्सेप्टेड. जहाँ भी जी बैंड हम यूज़ नहीं कर सकते हैं वहाँ क्यू यूज़ कर सकते हैं. यूज्ड इन स्टडी ऑफ क्रोमोसोम हेट्रोमॉर्फिज्म, ठीक है. डिसएडवांटेज है टेंडेंसी टू फेड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, फोटो डिग्रेडेशन, क्रोमोफोर एब्जॉर्ब लाइट ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ ड्यू टू ए केमिकल बॉन्ड फॉर्मिंग बिटवीन डाई एंड लाइट, यूवी लाइट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड. तो एडवांटेजेस इसके बहुत ही कम है कंपेयरिंग टू डिसएडवांटेजेस. सेकेंड बैंडिंग टेक्निक इज जी बैंडिंग. जी बैंडिंग में क्या करते हैं, क्रोमोसोम को लेंगे, फिर वीक ट्रिप्सिन यूरिया प्रोटीएस से इसको ट्रीट करेंगे टू डी नेचर प्रोटीन, ठीक है. प्रोटीन्स क्रोमोसोम से हटाने के लिए हम ट्रिप्सिन यूरिया प्रोटीएस जो भी है किसी एक से ट्रीट करते हैं. फिर हम जीएमसा स्टेनिंग से, जी मीन्स जीएमसा, इस स्टेनिंग से ट्रीट करते हैं. यहाँ पे क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ द डीएनए विथ ट्रायाजिन एंड ईओसिन कंपोनेंट्स ऑफ स्टेन ब्राइटन्स सल्फर रिच रीजन, मतलब जो सल्फर रिच रीजन होता है वो ब्राइटली शो करता है. फिर होता है बैंडिंग. बैंडिंग करने, बैंडिंग को क्लियरली विजुलाइज करने के लिए हम मिथाइलिन अजूर या मिथाइलिन वायलेट और मिथाइलिन ब्लू और ईओसिन, इन इसका जो कॉम्प्लेक्स है या इन चारों केमिकल्स को हम यूज़ करेंगे तभी हमको बैंड दिख जाएगा, ओके. यह है इसका प्रोसीजर. अब देखते हैं जी बैंडिंग होता क्या है. इट यील्ड्स ए सीरीज ऑफ लाइटली एंड डार्कली स्टेन्ड बॉन्ड्स बैंड्स. द डार्क रीजन टेंड टू बी हेट्रोक्रोमैटिक लेट रेप्लिकेटिंग एंड एटी रिच. लाइट रीजन टेंड टू बी यूक्रोमैटिक अर्ली रेप्लिकेटिंग एंड जी सी रिच. ए कंडीशन हमको क्यू बॉन्डिंग में, बैंडिंग में भी देखने के लिए मिला था. दिस मेथड विल नॉर्मली प्रोड्यूस 300 to 400 बैंड्स ऑन क्रोमोसोम. ये 300 to 400 बैंड्स एक क्रोमोसोम में शो कर सकता है, दैट इज इट्स कैपेसिटी, ओके. तो एडवांटेजेस होते हैं, यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैंड्स रिच इन सल्फर कंटेंट. जहाँ भी सल्फर कंटेंट ज़्यादा होता है उन बैंड्स को ये, मतलब उस जगह में ये बैंड्स शो करेगा. यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज. एज यूजुअल बैंडिंग टेक्निक्स एबनॉर्मलिटीज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है, और ये जीन मैपिंग में भी यूज़ होता है. लेकिन इसका एक ही डिसएडवांटेज है, ये सिर्फ एनिमल्स में यूज़ कर सकते हैं बट नॉट इन प्लांट्स. हमेशा याद रखिएगा, जी बैंडिंग कैनॉट बी यूज्ड इन प्लांट्स. क्यों इसको प्लांट्स में यूज़ नहीं किया जाता है, बिकॉज ह्यूमन माइटोटिक मेटाफेज क्रोमोसोम इज 2.3 टाइम्स शॉर्टर, प्लांट माइटोटिक मेटाफेज क्रोमोसोम इज 10 टाइम्स मोर शॉर्टर देन ह्यूमन क्रोमोसोम. हैंस डिफिकल्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द अरेंजमेंट ऑफ बैंड्स एट दिस लेवल ऑफ सिचुएशन विद जी बैंडिंग टेक्निक. मतलब जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स में मेटाफेज क्रोमोसोम ह्यूमन मेटाफेज क्रोमोसोम से भी 10 टाइम्स शॉर्टर होता है, तो हमको ग्रेटर रेजोल्यूशन नहीं मिल सकता. थर्ड टाइप है एन बैंडिंग टेक्निक. इसमें प्रोसीजर क्या है, पहले क्रोमोसोम को लेंगे, फिर उसको एयर ड्राई किया जाता है. क्रोमोसोम्स हम कहाँ लेते हैं, यूजुअली रूट टिप से लिया जाता है जो क्वाइट एक्यूरेट होता है. वहाँ से लेने के बाद रूट टिप्स को हम अच्छे से धोते हैं, फिर उसको एयर ड्राई करेंगे, देन ट्रीट विथ 5% ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एट 95 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स. यहाँ पे केमिकल 5% ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड यूज़ करते हैं. फिर उसके बाद में ट्रीट विथ 0.1 नॉर्मल और एन एचसीएल कितने डिग्री में, 60 डिग्री में 30 मिनट्स के लिए. फिर हमें बैंडिंग मिलेगा,
स्ट्रक्चरल नॉन हिस्टोन प्रोटीन लिंक्ड टू नॉर रीजन. तो फाइनली हमें एन बैंड्स कहाँ से मिलेंगे, जो स्ट्रक्चरल नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं विच आर लिंक्ड टू द न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन. तो नॉर रीजन आपको कहाँ मिलता है ये आप जाके फाइंड आउट कीजिए. इफ़ यू नो इट वेल एंड गुड, इफ़ यू डोंट नो जस्ट गो एंड फाइंड सो दैट यू कैन रिमाइंड इट मोर इजीली. मतलब आप अच्छे से इसको रिमेंबर रख सकते हैं. तो एडवांटेजेस ऑफ एन बैंडिंग है यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉर, देन सुपीरियर बैंडिंग पैटर्न फॉर प्लांट्स. फोर्थ काइंड है सी बैंडिंग टेक्निक. इसमें मेथड क्या इन्वॉल्व होता है, पहले क्रोमोसोम लेंगे, देन टू फॉर डीएनए डीनेचुरेशन वी ट्रीट इट विथ अल्कली सॉल्यूशन. फिर क्या करते हैं, वॉशिंग विथ सोडियम सिट्रेट एट 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स. ये किस लिए करते हैं, रिपीटेटिव डीएनए रीनेचर बट यूनिक डीएनए डू नॉट रीनेचर. यहाँ पे तो यूनिक डीएनए को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. स्टेनिंग विथ जीएमसा सॉल्यूशन, यहाँ पे भी जीएमसा सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है. बैंडिंग पैटर्न एट हेट्रोक्रोमेटिन रीजन. इसका एडवांटेज है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स पर्टिकुलरली इन इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स. हमेशा रिमेंबर, मतलब याद रखिए, सी बैंडिंग को अधिकतर प्लांट्स में यूज़ किया जाता है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ बाइवेलेंस एट डायकाइनेसिस यूजिंग बोथ सेंट्रोमियर पोजिशन. पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए, जीन मैपिंग के लिए इसका एडवांटेज कंपेरेटिव विथ अदर टेक्निक्स दिस इज क्वाइट यूजफुल. रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम बैंड्स, तो हम पी एंड क्यू, क्यू मतलब क्यूई एंड पी मतलब पिटाइट. पी होता है शॉर्ट आर्म एंड क्यू होता है लॉन्ग आर्म, इससे हम दिखाते हैं. एंड दिस इज सेपरेटेड बाय ए सेंट्रोमियर. ईच क्रोमोसोम आर्म इज डिवाइडेड इनटू रीजन्स और साइटोजेनेटिक बैंड्स दैट कैन बी सीन यूजिंग ए माइक्रोस्कोप और स्पेशल स्टेन्स. कमिंग टू आर बैंडिंग, आर एक फिफ्थ टाइप का बैंड होता है. दिस इज़ ए रिवर्स ऑफ जी बैंडिंग वेयर आर स्टैंड्स फॉर रिवर्स बैंड. डार्क रीजन्स आर यूक्रोमैटिन. आपने देखा होगा जी बैंड में क्या होता है, जी एंड क्यू में जहाँ डार्क रीजन होता था वो हेट्रोक्रोमैटिक होता था और लाइट होता था वो यूक्रोमैटिक होता था, लेकिन आर बैंडिंग में उसका ठीक रिवर्स है. एंड द ब्राइट रीजन्स आर हेट्रोक्रोमैटिक विच आर थाइमिन एडिनिन रिच रीजन्स. नेक्स्ट हम चलते हैं क्रोमोसोम पेंटिंग में. एक और बैंडिंग है जो टी बैंडिंग बोलते हैं, जो टीलोमियर को बाइंड करता है या जहाँ भी टीलोमियर का सीक्वेंस है उसको दिखाता है. ये कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे भी एजिंग फैक्टर होता है तो टीलोमियरेस के एक्टिविटी से टीलोमियर डिग्रेड हो जाता है, तो उस कंडीशन में टीलोमियर्स का प्रेजेंस और एब्सेंस देखने के लिए हम जनरली टी बैंड्स यूज़ करते हैं. लेकिन ये सिर्फ एनिमल्स में अधिकतर यूज़ होता है और इन नॉर्मल बैंडिंग टेक्निक्स इसको यूज़ नहीं किया जाता है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्रोमोसोम पेंटिंग में. क्रोमोसोम पेंटिंग क्या होता है, रेफर्स टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फ्लोरोसेंटली लेबल्ड क्रोमोसोम स्पेसिफिक कॉम्पोजिट प्रोब पूल्स टू साइटोलॉजिकल प्रिपरेशंस. यहाँ पे क्या होता है, पेंटिंग मतलब जहाँ हम पेंटिंग की बात करते हैं तो घर का पेंट करना, तो हम अच्छे अच्छे रंग से कोई एक दीवार को एक पेंट से दूसरे दीवार को दूसरे. आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, पहले के ज़माने में चलता था हाफ आधा दीवार एक कलर का और आधा दीवार एक कलर का, या हम अपने दरवाजे पे बहुत अच्छे अच्छे कलर से पेंट करते हैं, उसी तरह क्रोमोसोम पेंटिंग है. मतलब आइधर यू पेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स विद डिफरेंट कलर और यू पेंट विथ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स विथ डिफरेंट कलर. तो पेंटिंग से क्या होता है, कोई भी रीजन में कोई भी डिफरेंस आया है तो वो क्लियरली शो करता है. तो इसमें क्या होता है, दिस इज लेबलिंग इज क्रोमोसोम स्पेसिफिक. और यहाँ पे प्रोब यूज़ करते हैं, प्रोब्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया था. प्रोब में भी आरएनए और डीएनए सेगमेंट विच गोज एंड बाइंड्स टू ए पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ आर इंटरेस्ट, तो उसके हिसाब से हमको
एक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने में हमेशा यूज़ होता है। तो प्रोब्स को हम हमेशा लाइब्रेरी में रखते हैं, आइदर इट में भी जीनोमिक लाइब्रेरी और सीटीएनए लाइब्रेरी, वहाँ से ही अधिकतर हम लोग प्रोब को लेते हैं या प्रोब को डिज़ाइन भी किया जाता है आर्टिफिशियली। नोवडेज देर आर सेवरल टेक्निक्स टू डिज़ाइन द प्रोब्स। तो क्रोमोसोम पेंटिंग टेक्निक्स को फर्स्ट टाइम पिंकल और कोवर्कर्स ने 1988 में दिया था या फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था। दिस इज़ कपल्ड विथ फ्लोरोसेंट इनसिटो हाइब्रिडाइजेशन, जिसको फिश टेक्निक बोलते हैं, इज़ यूज्ड रूटीनली फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो फिश टेक्निक काफ़ी हद तक अच्छा टेक्निक है, इवन इसके मॉडिफिकेशंस भी बहुत सारे हैं, उसके हिसाब से हम क्रोमोसोम में जो भी एबनॉर्मलिटीज़ है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यूटिलिटी क्या होता है पेंटिंग का? हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स, क्रोमोसोमल ब्रेक पॉइंट्स एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। ये तीन चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए जब भी हम पेंटिंग की बात करते हैं, तो वो क्रोमोसोम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब उसका रीअरेंजमेंट्स में या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ब्रेक पॉइंट्स, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल को दिखाने के लिए या विजुअलाइज करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो प्रोसीजर क्या होता है? सैम्पल प्रिपरेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन, ये है इनसीटू हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसीजर, जिसमें पहले स्लाइड्स प्रिपेयर करना चाहिए मेटाफेस क्रोमोसोम का, देन डिहाइड्रेट इन इथेनॉल। इथेनॉल हमेशा प्रेसिपिटेशन के लिए यूज़ करते हैं, जो डीएनए को दूसरे मटेरियल से अलग करें। देन डीनेचर डीएनए एट 70 डिग्री सेल्सियस, डीनेचर लेबल्ड प्रोब। जब डीएनए हम डीनेचर करेंगे तो प्रोब को भी डीनेचर करेंगे, क्योंकि जो डीएनए हमारा इंटरेस्टेड है तो वो जब प्रोब जाके उसको बाइंड करेगा तभी ना हम कह सकेंगे कि दैट इज़ आर इंटरेस्टेड डीएनए। देन इनक्यूबेट एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 to 16 आवर्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें दिया गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश, तो इंटरफेस फिश, टिलोमेरिक फिश, आरएनए इनसीटू हाइब्रिडाइजेशन, प्राइम इनसीटू हाइब्रिडाइजेशन, कोबरा फिश, स्काई फिश। स्काई फिश जो होता है स्पेक्ट्रल कैरियोटाइपिंग फिश होता है, जिसको मैंने ऑलरेडी कवर किया है कैरियोटाइपिंग वीडियो में। यम फिश होता है, फिर फाइबर फिश होता है, इसमें अधिकतर स्काई फिश, फाइबर फिश, आरएनए इनसिटू हाइब्रिडाइजेशन, ये सब काफ़ी यूज़ होता है रादर देन अदर टेक्निक्स ऑफ फिश। एप्लीकेशंस ऑफ फ्लोरोसेंस इनसिटू हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज जनरली यूज्ड कॉम्प्लीमेंट क्लासिकल स्टेनिंग टेक्निक। इट्स ए सब्स्टिट्यूट फॉर क्रोमोसोम आइडेंटिफिकेशन एट टिलोफेस और मेटाफेस और इंटरफेस। इट इज़ यूजफुल इन सेवरल क्लिनिकल सेटिंग्स टू डिटरमाइन प्रेग्नोसिस एंड डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज लाइक अन्यूप्लॉयडी, कैरेक्टरिस्टिक जीन फ्यूजन, क्रॉस ऑफ क्रोमोसोमल रीजन और होल क्रोमोसोम। डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेंड फ्रॉम ईच सेल। इट हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ सिंगल जीन डिसऑर्डर, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर जीन और क्रोमोसोम बाय यूजिंग प्रोब क्रोमोसोमल मटेरियल ऑफ अननोन और अनसर्टेन ऑर्गेनिज्म कैन बी आइडेंटिफाइड। फिश इज पावरफुल टेक्निक यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांस इन बोथ रिसर्च लाइक जीन मैपिंग और आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉवल ऑन्कोजीन्स और जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज एंड डायग्नोसिस ऑफ हेमेटोलॉजिकल मेलिग्नेंसीज एंड सॉलिड ट्यूमर। तो फिश टेक्निक्स को यूज़ करके जो भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है या अल्ट्रेशन है या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, जो भी क्रोमोसोम में चेंजेस हुए हैं, उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो स्पेशली इसको ट्यूमर और जो भी डायग्नोसिस में एबनॉर्मलिटीज़ का डायग्नोसिस है उसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन। तो फिश के पास जीनोमिक इनसिटू हाइब्रिडाइजेशन भी एक टेक्निक आता है। जीनोमिक इनसिटू हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, यहाँ पे एक होल जीनोम, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का होल जीनोम यूज़ करते हैं
as a probe in order to identify a particular subspecies or variety को identify करने में in a species. तो genomic in situ hybridization हमेशा एक species को या variety को, new variety को identify करने में बहुत ही help करता है, जहाँ पे whole set of chromosome को एक मान के चलते हैं. ठीक है, इसको याद रखिएगा. तो next आगे बढ़ते हैं अगले technique में, यह है comparative genomic hybridization. ये क्या है? This is a molecular cytogenetic method for analyzing copy number variations with the help of hybridization technique. तो comparative genomic hybridization क्यों यूज़ किया जाता है? To analyze copy number variation. जितने भी number of chromosomes है, जैसे कि हम ploidy के बात करते हैं, तो हम बोलते हैं diploid, tetraploid, hexaploid, octaploid. तो अगर आप crops देखते हैं, अधिकतर crops होते हैं diploid. If you talk about potato, coffee, potato, then और कौन से हैं, जैसे कि को ड्यूरम वीट होता है, ये सब टेट्राप्लॉइड होता है. अगर आप हेक्साप्लॉइड की बात करेंगे तो आपके वीट है, फिर स्वीट पोटैटो है, ये सब हेक्साप्लॉइड्स में आते हैं. तो प्लॉइडी नंबर और कॉपी नंबर वेरिएशंस देखने के लिए ये यूज़ होता है. और किसी किसी केस में क्या होता है, हम आर्टिफिशियल प्लॉइडी बनाते हैं, जैसे कि अगर आप ब्रैसिका के बात करें, जिसमें टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड सब आ चुके हैं, कल्टिवेटेड थे वो, डिप्लॉइड थे, फिर हमने है टेट्राप्लॉइड बनाया, जो टेट्राप्लॉइड से फिर से क्रॉस बना के हेक्साप्लॉइड बनाया. तो ये सब कॉपी नंबर वेरिएशन, या जब भी हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ देखते हैं, या अनयूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी के बात करते हैं, स्पेशली जब यूप्लॉइडी के बात करते हैं, तो कॉपी नंबर वेरिएशन बहुत ही कॉमन है. इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत ही शानदार टेक्निक है. तो आगे बढ़ते हैं, इसमें स्टेप्स देखते हैं क्या क्या होता है. दिस इज़ नथिंग बट इट इज़ ए जस्ट एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ फिश टेक्नोलॉजी. ठीक है, पहले क्या करते हैं, मेटाफेज स्लाइड प्रिपरेशन एज यूजुअल, फिर आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम टेस्ट टिश्यू. इन द सेकेंड स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम टेस्ट टिश्यू एंड रेफरेंस टिश्यू, दोनों से हम लेंगे, एक रेफरेंस टिश्यू होगा और एक टेस्ट टिश्यू होगा. रेफरेंस टिश्यू क्या है, एक बेसिक सीक्वेंस है जो हेल्दी प्लांट माना जाता है, और टेस्ट टिश्यू है अगर हम डिसीज़ के बात करें या कोई एबनॉर्मलिटी के बात करें, जिस प्लांट में हम एबनॉर्मलिटी थिंक कर रहे हैं, मतलब वी आर इमेजिनिंग और वी आर गेसिंग दैट दिस प्लांट इज़ हैविंग एबनॉर्मलिटी और डिसीज़, वी विल कंसिडर इट एज टेस्ट टिश्यू. ओके, और एक रेफरेंस जो हेल्दी होता है. तो दोनों से हम डीएनए आइसोलेट करेंगे. देन सेलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रोब्स, प्रोब्स लेंगे और विद द हेल्प ऑफ डाइस वी विल हाइब्रिडाइज द प्रोब टू दोज टू टिश्यूज. आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन फ्लोरेसेंस डिटेक्टर इमेज एनालिसिस करेंगे. इमेज एनालिसिस के बाद सॉफ्टवेयर एनालिसिस करेंगे. जो दो स्टेप्स है ये आता है कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन में, जिससे हम कॉपी नंबर वेरिएशन ऑब्जर्व कर सकते हैं. दिस इज़ हाउ द फ्लोरोसेंट डिटेक्टर और फ्लोरोसेंट विल गो एंड बाइंड. वी मे से द प्रोब विल गो एंड बाइंड, इट विल बी लेबल्ड विथ फ्लोरोसेंट फ्लोरोसेंस, सो दैट इट कैन ईजिली गो एंड आइडेंटिफाई द कॉपी नंबर एज वेल एज एनी एबनॉर्मलिटी. Applications of this technique. This was first developed as a research tool for the investigation of genomic alterations in cancer. It allows for a high resolution evaluation of DNA copy number alterations associated with chromosomal abnormalities. It provides clinical or clinicians with a powerful tool to use in their increasingly sophisticated diagnostic capabilities. This CGH is considered as experimental or investigational when performed in the absence of symptoms or higher risk factors for a genetic disease, or when knowledge of genetic status will not affect treatment decisions or screening for the disease. Screening for parental gene mutations is fetus without structural abnormalities or testing products of conception after
in a phase 1 diagnosis of melanoma. It helps in detection of balanced rearrangements of chromosomes and for comparison of normal and suspected DNA samples. Problems with in situ hybridization, isme permeabilization problem hota hai, uneven cell penetration, high amount of background autofluorescence, itna zyada important nahi hai. तो चलिए फाइनली कंक्लूड करते हैं. तो बैंडिंग टेक्निक्स हमने देखा, जो साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया था उनके बारे में देखा, फिर जो इम्पॉर्टेंट बैंड्स होते हैं जैसे कि क्यू बैंड के बारे में, जी बैंड के बारे में, एन के बारे में, सी के बारे में, सबसिक्वेंटली आर के बारे में और टी एंड एन बैंड्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. उसके बाद में हमने पेंटिंग, क्रोमोसोम पेंटिंग के बारे में डिस्कस किया. क्रोमोसोम पेंटिंग में हम जनरली इनसिटू हाइब्रिडाइजेशन यूज़ करते हैं, फिर फिश होता है फ्लोरोसेंस इनसिटू हाइब्रिडाइजेशन, जीनोमिक इनसिटू हाइब्रिडाइजेशन और CGH टेक्निक जो है, इन सारे चीज़ों के बारे में हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया. I hope you liked this video. If you liked, do not forget to subscribe my channel and please hit the like button. Thank you.